हमास के बीच युद्ध विराम है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच घनघोर युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन में सर्दी आने से पहले कीव पर कब्जे का जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अब रूस हर दिन नहीं, हर घंटे यूक्रेन पर हमला और तेज करता जाएगा। पुतिन को इसराइल से एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसके बाद उन्होंने दिसंबर में ही जीतने का फैसला कर लिया। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस की आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। क्रिसमस पर कीव पर कब्जे का प्लान। पुतिन ने फाइनल पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। पूरी दुनिया जब क्रिसमस के जश्न में डूबी होगी, कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा। 24 फरवरी 2022 से जारी जंग का अंत क्रिसमस के दिन करने का पुतिन ने पूरा मन बना लिया है। पुतिन की सेना इस वक्त यूक्रेन पर अब तक का सबसे तेज हमला कर रही है। जवाब हालांकि यूक्रेन से भी मिल रहा है, लेकिन रफ्तार और पलटवार बेहद कमजोर नजर आ रही है। क्यों, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उत्तर एशिया और यूरोप में जोरदार ठंड आने ही वाली है। इससे पहले रूस ने जंग में फिर गर्मी ला दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार ड्रोन हमले किए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ताजा बयान दिया है। युद्ध के दूसरे शीतकाल मौसम की ओर बढ़ने के बीच यूक्रेनी सीमा पर बड़े बदलाव की कुछ तात्कालिक संभावनाएं हैं। रूस ने कीव, चरकासी और पोल्टावा क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 20 ईरानी ड्रोन से हमला किया। वहीं यूक्रेन की विमान रोधी प्रणालियों ने 15 ड्रोन मार गिराए। रूस का वार तेज है, बहुत तेज। रूस की सेना कीव पर ही नहीं टूटी है, बल्कि खेरसोन में रूस की सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिसे कई मायने में परमाणु बम से भी खतरनाक माना जाता है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर क्लस्टर बम गिरा दिया है, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से अधिक आवासीय और बुनियादी ढांचे की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस के इस भीषण हमले ने दक्षिणी खेरसोन में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने कहा, खेरसोन के चर्नोबायुवका में दोपहर में हुई भारी गोलाबारी में 5 लोग घायल हो गए। हमले में 60 से अधिक रिहायशी भवन और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। इससे पहले दिन में हुए हमलों में अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों की जान रूसी हमलों में गई थी। क्लस्टर बम से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको भी जरूर जाननी चाहिए। क्लस्टर बम जहां गिराए जाते हैं वहां जलजला ला देते हैं, जमीन को वो बंजर बना देते हैं और आबादी को वीरान कर देते हैं। क्लस्टर बम तबाही का एक ऐसा बम है जो परमाणु तो नहीं, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या किसी चीज का समूह होता है। ये हवा से विमान के जरिए ऊंचाई से गिराए जाते हैं या समुद्र से दागे जाते हैं। जब एक क्लस्टर बम फटता है तो उससे छोटे छोटे हजारों नए बम हवा में ही तैयार होकर बर्बादी की बारिश करने लगते हैं। बिल्कुल परमाणु बमों की तर्ज पर इनकी संख्या 1 से हजारों होती जाती है। इनसे बहुत सारे छोटे क्लस्टर बम खुद तैयार हो जाते हैं जो इलाके के इलाके साफ कर देते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार जमीन पर शर्रे फैलाते हैं और लड़ाकों की तुलना में कहीं अधिक नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और मारते हैं। दुश्मन के युद्धक वाहनों को नष्ट करने, हवाई पट्टी को उड़ाने, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को नष्ट करने, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर बितर करने, रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। रूस के गोदामों में आज बहुत कम ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तक पुतिन के कीव विजय का सपना अधूरा है, क्योंकि इस सपने के बीच नाटो की ताकत है। नाटो के यूक्रेन को हथियार सप्लाई ने पुतिन की यूक्रेन में जीत रोक रखी है।
यहाँ आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन के कितने प्रतिशत इलाके पर इस वक्त रूस का कब्जा है। डोनेस्क, लुहांस, खेरसोन, ज़ापोरिज़्या, यूक्रेन के ये वो क्षेत्र हैं जिसे रूस अपने कंट्रोल में रखने का दावा करता है। इसके अलावा अब डीविका, बखमूत, सोलेदार, मारियोपोल जैसे इलाके भी रूस के कब्जे में हैं। दिक्कत यह है कि रूस किसी एक इलाके पर कब्जा करके निकलता है तो उसके पुराने जीते हुए इलाके पर ज़ेलेंस्की की फौज चढ़ाई कर देती है, लिहाजा रूस को एक नहीं दो मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। पहला नए क्षेत्र जीतने वाला फ्रंट है, दूसरा जीते हुए इलाके को बचाने वाला फ्रंट है। इस बीच मुश्किल सेना की है। रूस के सैनिक युद्ध में जान गंवा रहे हैं, ट्रेंड सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। रूस में भी पुतिन के खिलाफ युद्ध विरोधी आवाजें उठ रही हैं। युवकों का एक बड़ा वर्ग सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है, लेकिन पुतिन के सामने पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बहुत साफ और सीधी बात है कि पुतिन यूक्रेन को अब बस निपटाना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध का निपटारा हमले से ही होगा और पुतिन यही हमले दिनों रात 24 घंटे आठों पहर लगातार कर रहे हैं। यहां पुतिन के 30 दिनों की मियाद में कीव पर कब्जे का प्लान समझने की कोशिश करते हैं। प्लान नंबर एक, यूक्रेन में जीते गए सारे इलाकों को रूस के कब्जे में ले आना। प्लान नंबर दो, कीव को चारों तरफ से घेर कर हमला करना। प्लान नंबर तीन, यूक्रेन को क्राइमिया पर हमले से तत्काल और पूरी शक्ति से रोकना। प्लान नंबर चार, ठंड से पहले यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन में सर्दी दस्तक दे रही है और मौसम बदलते ही युद्ध में पुतिन खेला बदल देंगे, इसकी आशंका में ज़ेलेंस्की दिन रात घोले जा रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने भयंकर तबाही का सामना किया था। एक तो हाड़ कपा देने वाली ठंड ने मारा और बच गए तो रूस की सेना ने तोप के गोले से उड़ा दिया। इस बार सर्दी से बचने के लिए यूक्रेन के नागरिक अपने घरों के लिए मोमबत्तियां, बैटरी, फ्लैशलाइट और पोर्टेबल लालटेन खरीद रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट गैस को स्टॉक कर रहे हैं। पिछले साल रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर 1200 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिससे यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप सी पड़ गई थी। अमेरिका ने ऊर्जा उपकरण और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए $522 मिलियन आवंटित किए हैं। ठंड में जीवन की बुनियादी सुविधाएं और जंग दोनों के प्रति यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कदम उठा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, हर किसी को ये सुनिश्चित करने के लिए रक्षात्मक प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि रूसी आक्रमण इन सर्दियों में यूक्रेन को रोक न दे। जैसा कि युद्ध के मैदान में होता है, वैसे ही सभी क्षेत्रों में हमें लचीला और मजबूत होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के जिस इलाके में जंग हो रही है वहां ठंड में पारा -डिग्री में चला जाता है। ऐसे में ठंड से पहले रूस ने फिर ताबड़तोड़ हमले करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में नेटो भी सुपर एक्टिव मोड में आ गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ठंड में जिस तरह हिटलर की सेना को रूसी फौज ने मात दी थी, उसी तरह यूक्रेन को सर्दी में ही सदा के लिए जीत लेना है। जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काम पुतिन पिछले 1 साल 8 महीने की जंग में नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियां भी कोई असर नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी पुतिन को मौका मुफीद दिख रहा है। इसराइल हमास की जंग ने अमेरिका के लिए नया मोर्चा खोल दिया है। इसके सामने यूक्रेन रूस की धमक फीकी पड़ गई है, लेकिन रूस की सेना अपना काम बखूबी कर रही है। सर्दी का सामना सिर्फ यूक्रेन को नहीं करना है, रूस के उन सैनिकों को भी करना है जो 24 फरवरी 2022 से जारी इस जंग को अब तक लड़ रहे हैं। लंबी जंग से उकताए रूसी सैनिकों के लिए इस बार की यूक्रेन की सर्दी भी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। यही कारण है कि रूस की सेना ठंड से पहले ही नहीं बल्कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को युद्ध का द एंड करने के इरादे के साथ चल रही है।